कैसे हो आप सब? आपको लास्ट व्लॉग कैसा लगा मेरा? एंड बहुत अच्छा रहा वो व्लॉग। आज मेरा मार्केट घूमने का व्लॉग है। और ये देखिए पीछे का नज़ारा मेरे, ये होटल है। आपको मैं इनका एड्रेस दे दूंगा, आप इनसे बात कर लेना, ये आपको रिसीव करेंगे ट्रेन से। तो और सही बजट का होटल है, तो आप यहाँ स्टे कर सकते हैं अपना आराम से। तो गाइस अभी रेडी हो गए, बस निकल रहे हैं। तो अभी हम निकल चुके हैं, ये होटल है तारा पैलेस होटल है। यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, रेलवे रोड सरस्वती चौक, ठीक है। ये मैंने डाल दिया है, आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इनका। ये है गली वगैरह, तो ये है पूरा छोटा सा तारे पैलेस। बहुत बढ़िया है यार ये जगह। मैं रूम दिखा नहीं पाया, बैंड बज रहे थे सारा, 12 बज रहे थे रूम के, क्योंकि कपड़े वपड़े फैल रखे थे हमारे, तो मैं भूल गया वो दिखाना। अभी हम सारे कटरा मार्केट के लिए निकल गए। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया। कल कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा दर्शन करके, माता के बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं सर। अरविंद जी, अरविंद सर। तो अभी कटरा मार्केट को निकल रहे हैं, तो शॉपिंग करेंगे वहाँ पे जाके, प्रसाद लेके। थोड़ा ये कटरा मार्केट शुरू हो जाती है यहाँ से, ये पूरी आगे जाओगे तो कटरा मार्केट आ जाएगी। पूरा रोड है ये कटरा का मार्केट का, जो रिंग रोड आएगा आगे वो मेन दरबार की तरफ जाता है कटरा, वो वाला वाली लाइन जुड़ती है दरबार से कटरा की, जो मेन पॉइंट आता है। बाकी ये बहुत बड़ी मार्केट है कटरा की, मार्केट चल रही है पूरी। वाओ, यहाँ आप इंजॉय कर सकते हैं, फूड भी खरीद सकते हैं, यहाँ शॉपिंग कर सकते हैं, बहुत तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे देखने के लिए। न्यूट्रिकल सर, हमारे चार बना दो, खाओगे ना आप? वेज होता है ये, हमारे बन रहे नहीं, ये इनके हैं। अच्छा अच्छा, तो आप यहीं खड़े होते हो? बहुत यार भैया की ये यहाँ साइकिल लगती है, मयूर रेस्टोरेंट के सामने। चार बना दो, ये कुलचे भी, छोले कुलचे भी रखते हो आप? अच्छा बहुत बढ़िया, सालों का एक्सपीरियंस है। ये फोटोग्राफी करती है? हाँ, 10 ईयर्स का फोटोग्राफी है। अभी हम आप असिस्टेंट बैग के साथ ये जो सारे लेंसेज हैं हमारे। हाँ अच्छा, बेसिकली क्या है, लेंस लगाना नहीं आता पर एक्सपीरियंस पूरा है। हाँ लगाना मेरे को पड़ता है। तो आपने ये डिश कभी खाई है? कौन सी? न्यूट्री कुलचा। न्यूट्री? हाँ, दिल्ली में खाई थी। खाई पर दिल्ली में वाली नहीं मिलती है, यहाँ का अलग टेस्ट है, भैया का अलग टेस्ट है। हाँ वो कुलचा होता है पाव ना, वो कुलचा होता है पाव कुलचे। अच्छा अच्छा, तो इस पाव को मक्खन में सेकते हो आप? हाँ भैया अच्छे से पाव सेकते हैं। इस पाव को यहाँ पे क्या बोलते हैं? कुलचा बोलते हैं। कुलचा बोलते हैं इसको, गोल वाला। ये ने टमाटर प्याज डाले, इसका भी तड़का लगाओगे आप? हाँ बहुत, हाँ बहुत बढ़िया बना। मिर्ची डाल दो, ये ऑयल अच्छी बात है कि यहाँ से ना स्टॉक पे बन रहा है, ये स्टॉक। हाँ ये स्टॉक पे बन रहा है, भैया ने स्टॉक लगा रखा है यहाँ ऑर्गेनिक तरीके से। वाह वाह, पूरा तड़का लगा दिया भैया ने। आपने क्या डाले? सोयाबीन है? हाँ सोए। इसके अंदर कुछ है? इसके अंदर पहले तड़का लगा हुआ है, फिर यहाँ पर डबल तड़का। अच्छा, इसके अंदर तड़का लगा। तो आप बताना इनका टेस्ट करके कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, मसाला बढ़ गया। काली मिर्च होगी? काली मिर्च है, गरम मसाले, गरम मसाले के साथ नमक का तड़का। और फिर ये आया नींबू का पानी, ग्रीन चटनी आते हुए उसी के साथ स्वाद का जायका बढ़ाते हुए। बहुत बढ़िया,
ऐसी चीज दिल्ली में नहीं मिलती ना। नहीं, ऐसी चीज सिर्फ यही मिलेंगी, वो भी जम्मू में। जम्मू में आइए आप, अगर ये ऐसी चीज खानी है तो आपको। ये रेडी है? हाँ रेडी। ये भैया ने नींबू डाला इसके ऊपर। वाह, तो आपकी जो ये चटनी थी खट्टी पुदीना दही वाली सब ये सब अनारदाना। अच्छा, अनारदाना की चटनी लास्ट है। अच्छा अच्छा लास्ट है, तो इसके अंदर कीमा डालोगे आप? बहुत बढ़िया। तो ये भैया का न्यूट्री कुलचा है, अब हम इसको ट्राई करने जा रहे हैं कैसा है इसका टेस्ट। बहुत बढ़िया है कुलचा, लेकिन मैं स्पाइसी खाता हूँ। भैया रोएगे आज, मगर मच के आंसू रोएगे। ये देखिए, ये रोने वाले हैं अच्छे तरीके से, इतने मजे से खा रहे हैं, आज इनके आंसू निकले। चलो मैं आपको ये खा के मिलता हूँ, ठीक है? आप बने रहिए ब्लॉग में, मैं अभी आपको और चीजें दिखाऊंगा। आपको कैसा लगा? मस्त है आपको? मस्त लगा ना, एक नंबर। गरम गरम ऐसी है काफी। कैसा है? अच्छा है। अच्छा खाए तो रिकमेंड सबको। चल खा तो, आए एक बार सेवा का मौका दे। अबे लड़कियों की तरह क्यों खा रही है? खा पूरी एक बाइट दाल पूरी। मैं भी खा के मिलता हूँ आपको। देखिए आप आओगे तो यहाँ खाइए जरूर। भैया के पास आए हम, गोलगप्पे खा रहे हैं भैया। तो भैया के अभी हम गोलगप्पे ट्राई कर रहे हैं। यहाँ भैया नहीं लगाते हैं, पास में उसी के सामने लगाते हैं, मयूर रेस्टोरेंट। उनको तो अभी तक न्यूट्री बन ही ठीक लग रहा है। वाह, ये तो गोलगप्पे के शौकीन है ये लोग। आटे के अच्छे लगते हैं, सूजी के कोई भी। अच्छा भैया मीठी चटनी नहीं डालते आप? अच्छा वही तो मेन नाम दिल्ली वालों के लिए। वाओ, खाइए आप, कैसा लगा आपको गोलगप्पे? बस माउथ ओपन करना है। आप तो दोनों चीज़ें एक साथ खा रहे हो, मज़ा आ रहा है शायद। सूजी के ये आटे का मैं तो आप नहीं खा रहे क्या? कैसे खींचते कैसे करो बताना। तो भैया आप यहीं लगाते हो? यहीं लगाते हो आप? अच्छा बहुत बढ़िया। चलो तो हमने गोलगप्पे खा लिए भैया से, बहुत अच्छे लगे गोलगप्पे खा लिए हमने। यार ये खोल ही देते हो ना, इन्हें गला भी बंद कर दिया, जैसे पार्टी में जा रहा हूँ शरीफ बच्चा। टिकट लगी हुई है यहाँ पे, बहुत बढ़िया, यहाँ आ सकते हो आप, इंजॉय कर सकते हो। अच्छा मोमोज यहाँ मिल रहे? नहीं नहीं रुक जाओ, देखने दे मोमोज है भैया के। वहीं से इधर आ गए फिर उधर बुला रहे हैं। ये मोमोज लवर है, अच्छे लगते हैं आपको? मुझे भी अच्छे लगते हैं। आपको? बड़े अच्छे लगते हैं मुझे। अच्छे लगते हैं, बट डेली डेली बेसिस पे नहीं खाया करें ये। मैं रिकमेंड करता हूँ कि ज़्यादा नहीं खाया करो। कैसे लो आप? टच करो, रेडी शेडी गो। सही है, सही है, बढ़िया, ज़्यादा बुरा भी नहीं है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, बट ठीक है। इसके अंदर सोयाबीन भी है और वेजिटेबल भी है, पूरा मिक्सचर है जो भी है, इसकी शेप है। कैसा लगा? जैसा नहीं, वो तो नहीं हो सकता, वो हो नहीं सकता। ठीक है चलो, मोमोज में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया।
न्यूट्री कुलचा अच्छा था यार, है ना? हाँ, न्यूट्री कुलचा और गोलगप्पे भी बढ़िया थे, मजा नहीं आया। आगे देखते कुछ मिल जाता है तो जहाँ ट्राई करते हैं। लगा दो एक प्लेट में, कितने पीस सही है ना, फ्रेश है ना भैया? ये से हम एक बार फ्राइड मोमोज खा रहे हैं, अभी हमने स्टीम खाए थे उसमें मजा नहीं आया था, तो नेक्स्ट दुकान पे खा रहे हैं मोमोज, तो यहाँ पे हम फ्राइड मोमोज ले रहे हैं एक प्लेट, तो अभी हम आपको टेस्ट करके बताएंगे कि यहाँ के मोमोज कैसे हैं। चाप भी मिलती है आपके पास, सब कुछ मिलता है, चाप वगैरह पनीर टिक्का सब वेज आइटम है ना सारी, बढ़िया। तो आप यहाँ विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे चौक के पास है ये भैया की दुकान। एक मिनट रुक जाओ हाथ मेरे, अरे ये पकड़ना यार पकड़ना, सुनना इन बच्चों को दे, अरे खा लो साथ साथ खा लो, आजो बच्चों क्या खाना है तुमको भैया, थोड़ा पानी दे देना यार भैया, मार दे दो वो हाथ कर दिया। वाओ क्या खाओगे, मोमोज खाओगे? चलो मैं मोमोज खिलाता हूँ, स्टीम लगाओ ठीक है। तो इन्होंने ग्रीन चटनी भी दी है और बहुत अच्छी अच्छे दिख रहे हैं मोमोज, वाओ इन्होंने रेटिंग भी दे दी, अभी रुको भी खाने जा रहे हैं जरूर। कैमरा अच्छा लग रहा है टैंक पे, अच्छे पहले से तो, आपको कैसे लगे? पहले से बेटर। अब मैं हो गई मेरा पूरा मोमो डूब गया था, देखो वाह पूरा बर्फीला बन के निकला ये तो। कह सकते हैं लिटिल बिट, वाह वेरी मस्त, अच्छे ना यार, ये थोड़े अच्छे लग रहे हैं, उनमें स्टफिंग भी बहुत अच्छी बनी है। दिस मोमोस ये अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ। अच्छे हाँ। वाह ये इसमें मजा आ गया। अभी हम कटरा मार्केट में आ चुके हैं, ये पूरी मार्केट है जो ड्राई फ्रूट से जानी जाती है, प्रसाद मिलता है यहाँ पे, यहाँ से लोग शॉपिंग करते हैं, प्रसाद मिलता है यहाँ पे। तो मार्केट कैसी लग रही है आपको सर? बहुत अच्छी लग रही है मार्केट, बहुत ही जबरदस्त। तो आप भी यहाँ आइए, मार्केट से आप प्रसाद ले सकते हैं, यही सीधा रास्ता, आवश्यकताओं का सामान ले जा सकते हैं यहाँ से, यही सीधा रास्ता दरबार को जाता है, यही सीधा रास्ता दरबार को जाता है। ये प्रसाद की दुकानें हैं, ऐसी दुकानें आएगी सारी, तो आप आइए यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं प्रसाद की, माता का प्रसाद मिलता है। और यहाँ और भी आइटम्स है जैसे कि डेकोरेटिव आइटम, यस खाने पीने की आइटम, खाने पीने की एज इज टाइप टू ट्राइज। तो यहाँ ये मार्केट है बहुत बढ़िया है, लाइट वाला ऑफ करके फ्लैश मोड कर लो, चलो ठीक है ना। ओके सॉल का देखें, सॉल यहाँ पे सॉले बहुत सस्ती मिलती है। तो आपको कैमरामैन की प्रैक्टिस करा रहे हैं हम, अभी सीख रहा हूँ ये तो हाँ। फोन में लगी, इसने जॉब क्विट कर दिया तो हमें दूसरे की रिक्वायरमेंट है। अच्छा तो अभी राइट नाउ हमने इसको हायर किया है, वाओ जो कि फ्रेश ही है अभी, फ्रेश जल्दी ये सीख जाएगा। यस फोटोग्राफी करने लग गए यहाँ पे, चलो आज मैं कैमरा मैन बन जाओगे आप? हाँ जी हाँ जी, कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको पूरी मार्केट की वीडियो दिखा रहा हूं, मार्केट है बहुत बढ़िया। हाँ जरूरतों का सामान लिया करो यहाँ से बस, है हाँ। ना जो हाँ हमने पहले यहीं से लिया था नरेश वाले से, कोविड के चलते अभी थोड़ी मार्केट ओपन होनी स्टार्ट हुई है। हाँ जैसा कि हम जान सकते हैं हमारी गाइडलाइन ये रूल्स बना दिए यहाँ भी कोविड के, बहुत ज़्यादा हर जगह ये है, तो ध्यान रखो अपना। भाई यार मैदा खिला के ना मेरी डाइट, चलो कोई नहीं मैं मान सकता हूँ, तीन दिन मैं छुट्टी पे रहूं डाइट से। क्या हो गया, ये तो फोटो ही खींचने लग जाते हैं, आ जा फोटो खिंचा, हम तीनों की वो पलट एक, हम तीनों की बहुत बड़ी मार्केट है। हम परमिशन फोटोग्राफी की, क्यों जो एंट्री करके जो फोटो नहीं खींचते उसके पास, उनके पास सैलून में तत्ते की वीडियो बन रही है, वायरल कर देंगे। तो ये यहाँ भैया कटरा में फ्रूट चाट लगाते हैं, ये क्या है भैया? चाचा को इसको क्या बोलते हैं? फ्रूट चाट, इसे कचालू टोकरी में सो रहे थे। ये शेर वाला
नहीं तो टॉयज मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं वो देखने जा रहा हूँ। टॉयज हो सकता है मिले दिल्ली में मिल जाता कछुआ कछुआ सब मिल जाता है दिल्ली कछुआ तो तुम वहाँ पे बहुत बढ़िया चाट बना रही है चाट बनने जा रही है हमारी चलो बनाओ भैया मिर्च मसाले ना नॉर्मल लगना ठीक सब डाल देना इसमें नॉर्मल सब नॉर्मल लग रहे अपने हिसाब से रख दो जैसा खाते हैं लोग यहाँ के वाह तो आप हमेशा यहीं कर मिलते हो अच्छा मतलब यहीं घूमते रहते हो मतलब अच्छा तो भैया की यहाँ पे आइए चाट खाइए फ्रूट चाट है यहाँ पे भैया का बहुत बढ़िया इसमें कचालू डाले ना आपने कचालू डाले बहुत बढ़िया थोड़े ना स्टिक दे देना दो तीन है ना आपको एक मिनट में लेके आता हूँ थैंक यू भैया तो लो भाई टेस्ट कीजिए लो 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 आ जाओ अरे टेस्ट करो यार टेस्ट आ जाओ आ जाओ फिर वही मसाला वसाला बताओ कैसा है अच्छा है देखने में बहुत बिक रही है नंगल की चाट तो इसलिए मैंने सोचा खा लेता हूँ ओह वाओ ये मात्र 30 रुपए की है लीजिए वैल्यू फॉर मनी है वैल्यू फॉर मनी राइट आई एग्री विद यू पर 30 रुपए के हिसाब से तो बहुत अच्छी है वैल्यू फॉर मनी वही तो बोल रहा हूं क्या कैसी लगी तूने गलत बाइट ले ली क्या खा लिया तूने कचालू खा लिया लगता है मैं बनाती जाएगा मेरे को तो दे नहीं रहे लोग मेरे हाथ में चाट पड़ी है खाई जा रहे खाई जा रहे मेरे को कोई पूछ नहीं रहा चलो अभी हम भी खाते हैं मैं मजाक कर रहा था तो ये बस बस मैं अपने आप ले लूँ मजा आ गया सब कुछ वेजिटेबल भी सब कुछ डाला भैया खा के मिलते हैं आपको आगे मार्केट घुमाते ये खाते रहते हम धीरे धीरे तो भैया ने बहुत अच्छे से ट्रीट किया हमें यहाँ से हमने बहुत सामान ले लिया ये सब पैक करा लिया हमने तेल ज़्यादा है इसमें नहीं अच्छा चैन नहीं है बोला अच्छा है तो दिक्कत बुरा है तो ये बेर है ये मलोक है ये नाशपाती है और ये सेब है ये अखरोट गिरी भी बेचते हो और ये क्या भैया ये दातन है दंदासा बोलते हैं इसको दातन कितने का है ये 20 रुपए का है अच्छा ये भैया जी वैसे ही दांत को कोई कीड़ा कोड़ा लग जाए ना किसके दांत को अच्छा दातन किसते हैं जैसे दंदासा दातन करते हैं मगर ये तीखी होती है मतलब तीखी होती कोई दांत को कीड़ा कूड़ा लग जाए राग दरोग तो यही यहीं की होगी यहीं की होगी अखरोट का जो पेड़ होता है ना कई बार सवाब से झड़ जाता है उसके बाहर वाला छिलका निकलता है अच्छा 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 थैंक यू आपने बहुत अच्छा सामान दिया हमको और भैया की दुकान में आइए भैया एक बार नाम फिर से बोल दीजिए आप न्यू विजय ड्राई फ्रूट की दुकान है भैया की कटरा के पास शॉप नंबर नंबर नहीं होता चलो ठीक ये बोर्ड लगा हुआ है हमें अगर होम डिलीवरी अवेलेबल करवा पाएंगे कर लेना ये भी हमारी सामने वाली अपनी दुकान है अच्छा इसका कार्ड खत्म हो गया अच्छा ये भी अपनी दुकान है अच्छा दोनों हमारे लगा चलो ठीक है भैया अगर आप वहाँ से ट्रांसफर कर दें एक अमाउंट तो आप यहाँ से कोरियर कर देंगे ये नंबर है ये नंबर है दिल्ली से हैं हम कहीं से किसी कोने से सब जगह कोई दिक्कत ये भैया का नंबर है तो आप इस पे ज्यादा चले जाएंगे हां आप इसको देख के आ सकते हैं तो थैंक यू भैया ठीक है काइंडली जय माता दी ये सामान ले लिया हमने चल रही है भैया बाकी कट रहे हैं आप घर जाएंगे डिनर देखते क्या करेंगे ये कपूर स्वीट्स का दूध है आपको दूध दूध ठीक है मिल्क बहुत अच्छा केसर की एक पत्ती दिख रही है बस केसर है इसमें वाह 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 तभी मेरे में तो केसर भी नहीं है मेरे में केसर ही नहीं है लेकिन आपको जो जहाँ से पीना हो वहीं से बस मिल्क जरूर ले मिल्क पिए जरूर ये सजेशन है हमारा हाँ
गाइस अभी हमें ना वहाँ पे दूध का मजा नहीं आया बिल्कुल, है ना? बिल्कुल भी मजा नहीं आया। तो हमने फिर से ये देखो, हमने फिर से दूध ले लिया। कॉन्शियस पिस्ता मैं पी नहीं रहा मेरे को मैंने इसमें लिया थोड़ा सा इनसे आपको बहुत बढ़िया हॉट मिल्क का भी मार्केट अच्छी लगी आपको? मार्केट भी बहुत अच्छा है, लोग भी यहाँ के बहुत अच्छे हैं, बस थोड़ी महंगाई ज्यादा है। मत माना करो मेरी बातों में, मजाक करता हूँ। जलेबी लेकिन अच्छा लगता है। अच्छा था ठीक है, मुझसे तो सही है, मुझसे तो सही है। मुझे कुछ खाना है या जलेबी लेके आए? जलेबी नहीं खानी भाई, वो देखना डिश है, बहुत फेमस डिश है, दूध जलेबी का डिश है यहाँ। बहुत देर घूमने के बाद हम अब होटल को जा रहे हैं, तो अभी हम निकल गए हैं होटल के लिए। पास में ही होटल है तो हम पैदल पैदल चल के ही जा रहे हैं, तो अब मैं यही ब्लॉग खत्म कर दूँ। चलो चलो, बाय बाय। कुछ नहीं खुलेंगी।